अयोध्या में माहौल बिगाड़ने की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। मस्जिदों के बाहर फेंके गए आपत्तिजनक कागज मामले में समय रहते पुलिस ने 7 आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस के आरोपियों पर NSA लगाने की तैयारी है। CCTV से पूरी साजिश का खुलासा हुआ है, आप भी देखें। हुआ एक्शन तो मदरसों ने बदले नियम, 24 घंटे के अंदर बदलाव आया नजर। मदरसों के कागज अब होंगे पक्के। योगी सरकार ने मदरसों की जांच के आदेश क्या दिए, महज कुछ घंटों के अंदर कई मदरसे लाइन पर आ गए। दारुल उलूम देवबंद ने दाखिलों के लिए सख्त कानून का फरमान जारी कर दिया। विश्वविख्यात इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने मौजूदा हालात के मद्देनजर नए छात्रों के लिए दाखिला प्रक्रिया में कई बदलाव करते हुए नियमों को और अधिक सख्त कर दिया है। संस्था में प्रवेश पाने के इच्छुक नए छात्रों के पास संबंधित दस्तावेज नहीं होंगे तो उन्हें दारुल उलूम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने से पहले नए छात्रों को पूर्व के मदरसे का प्रमाण पत्र, वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की मार्कशीट लगानी होगी। साथ ही छात्रों को अपना और अपने पिता का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भी जमा कराना अनिवार्य होगा। किसी एक समुदाय को टारगेट बनाना ये हिंदुस्तानी गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है, क्योंकि ये हिंदुस्तान जितना हमारे बिरादरी वतन का है उतना हिंदुस्तान मुसलमानों का भी है। बाबा बुलडोजर का ऑपरेशन मदरसा, फर्जी मदरसों पर चला योगी का हंटर। दरअसल यूपी सरकार को इसकी शिकायत लगातार मिल रही थी कि कुछ मदरसे कागजों पर चल रहे हैं, लेकिन उनकी आड़ में बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं। बाबा को ये कहां बर्दाश्त होने वाला था। बाबा ने यूपी के 7,442 मदरसों को रडार पर लेते हुए इन मदरसों की मुकम्मल जांच के आदेश दे दिए हैं। योगी सरकार के इस आदेश से फर्जी मदरसा चलाने वालों के होश फाख्ता हो चुके हैं और कुछ मदरसे तो कुछ घंटे के भीतर ही लाइन पर आ चुके हैं, जबकि आने वाले दिनों में कुछ और मदरसों पर गाज गिरने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।